अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू बैरागीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल्स हमारी इफ्तारी के लिए। एक मीडियम साइज़ के कांदे को हमने रफली चॉप कर लिया है, और ये 3 से 4 लहसुन की कली, और ये 1/2 टीस्पून हरी मिर्ची, 2 आलू जिसको हमने बॉईल कर लिया है, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा और धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और 1 टीस्पून काली मिर्ची। गैस ऑन करके हम हमारी कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम इसमें 1 टीस्पून के करीब तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, लहसुन और हरी मिर्च, और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे कांदे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारा कांदा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमारा कांदा अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बॉइल्ड चिकन जिसको हमने बॉईल करके श्रेड कर लिए थे, और इसे भी 2 मिनट कांदे में भून लेंगे। अब हम डाल देंगे हमारी इसमें भाजी जिसको हमने पहले से ही थोड़ा हल्के से तेल में भून के रख लिए थे, जो है इसमें हमारी स्प्रिंग अनियंस है, कैप्सिकम है, कैरेट है और कैबेज है, इसको भी हम थोड़ा सा तेल में भून लेंगे। हमारी भाजी भी हमने अच्छी तरीके से इसमें भून लिए है। अब हम इसमें डालेंगे आलू और इसको मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू हमारा इसमें अच्छे से मैश हो चुका है, सब भाजियों में मिक्स भी हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट तक भुनेंगे, उसके बाद में हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, धनिया और जीरे का पाउडर, और हम इसमें डालेंगे हमारा नूडल्स मसाला और थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी फिलिंग बन के रेडी हो चुकी है। अब हम ब्रेड में फिल करने की तैयारी करेंगे। अब हम हमारे ब्रेड के कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर लेंगे चारों साइड के। हमारे कॉर्नर्स अच्छे से कट हो चुके हैं, अब हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। हमने इसको अच्छे से बेल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बैटर और उसको अच्छे से चारों तरफ पूरी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, पूरे कोने कोने में भी उसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे, और फिर हम इसको ऐसे ऊपर से फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब ये हमारा रोल बनकर रेडी है। ये हमने रेडी कर लिया हमारी मैदे की स्लरी, जिसमें हमने सिर्फ ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया, और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिकनेस ही रखना है इसको, ज़्यादा पतला नहीं रखना। और इसके साथ में हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स, और हमने जो रोल बना के रखे है उसको हम पहले डिप करेंगे इस मैदे की स्लरी में अच्छे से, और फिर हम इसे ऊपर से पूरा कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छे से पूरे कॉर्नर्स में भी हमें कोट करना है ताकि ये कहीं से फटे ना। अब हम इसे एक न्यूज़पेपर पे रख देंगे।
तेल गरम हो चुका है हमारा, अब हम इसमें डालेंगे हमारे ब्रेड रोल्स और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे। हमारे ब्रेड रोल्स फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे और हमारे टिश्यू पेपर के साथ में रख देंगे। हमारे रोल्स बन चुके हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बने हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की भी लिंक है, आप उसे भी वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो करना।